प्यारे दोस्तों, सत नमन, नमस्ते। ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपके सामने कुछ सत्य को उजागर करना चाहता है और उसका प्रारंभ मैं करता हूँ ऋग्वेद के 191 वर्ष से, जिसमें ये कथा कहा गया है कि अगर जिंदगी में पूर्णता पाना हो, जिंदगी में असंभव से असंभव को साध्य करना हो और अगर आप में दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो और आपने मस्तिष्क को नियंत्रण में किया है, आपके दिमाग में एक ही विचार है कि आपको सर्वोत्तम बनना है और आपके जीवन की धारा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में प्रगतिशील हो, कर्मठ जीवन में कुछ करने की तमन्ना हो, तो आप अपने मस्तिष्क को सही दिशा में नियंत्रण करें और लोगों का सहयोग लेते हुए कठोर परिश्रम के द्वारा आत्मविश्वास का सहारा लिए चलते रहें और जितने भी आपके सहयोगी हों, क्योंकि बिना टीम वर्क के आप महान कार्य नहीं कर सकते, तो उन सबों का सहयोग आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अकेला कोई भी महान नहीं बन सकता। सहयोग के बिना असंभव संभव नहीं हो सकता। इसीलिए ऋग्वेद में कहा है 191 में, सम गच्छद्वम सम वदद्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। इसका आर्थिक शब्द का अर्थ यही है कि हम सभी एक साथ मिलकर चलें, मन वचन कर्म से हम जुड़ जाएं, हमारे मस्तिष्क में एक ही विचार हो, एक ही लक्ष्य हो और हम जो भी कार्य करें पूजा की भावना से करें, अपने जीवन में लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं आए, ना हम राइट देखें ना लेफ्ट देखें, केवल एक ही दिशा में चलें, फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, कंट्रोल अटेंशन, तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। लक्ष्य पाने के लिए आपको विफलताओं का सामना करना पड़ेगा, कष्ट कंटकों के राह से चलना पड़ेगा, मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और न कभी आप रुकेंगे, न थमेंगे, न मुड़ेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे। सारे विघ्न बाधाओं को अपने पाँव के तले कुचलते हुए, कांटों कुशों की तरह उसको कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर बिजली भी गिर रही है तो बिजली को अपने सीने में लगा के, अंधेरे में कोई अगर सहायता भी नहीं कर रहा है तो रीढ़ की हड्डी को जलाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी बात भी कोई नहीं सुनती है तो फिक्र नहीं करना, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर अकेले चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर सहयोगी होंगे आपके साथ, जो आपके साथ आपके सुख दुख में, आपके लक्ष्य में, आपके उपलब्धियों में अपनी साझेदारी समझते हैं, जैसे आपके माता पिता हों, तो आप सबको चाहिए कि एक साथ मिलकर काम करें। अगर आप लक्ष्य के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, आपके विचार भटक रहे हों, नाली के कीड़े गिन रहे हों, जबकि आपको गिनना चाहिए चांद, सितारे, सूर्य, जिसकी ऊंचाइयों से आगे जाने की प्रेरणा आप में है, तो अगर आप चांद, सूर्य, सितारे, आसमान की ऊंचाइयों से आगे जाना चाहते हैं तो आप कभी भी नकारात्मक में मत जाइए, लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। आकाश की ऊंचाई से आगे जाना चाहो, बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे ये काम कठिन है, आप नहीं कर सकते, तो आप उनको ये बता दीजिए कि उन्हें गुरूर है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, बट मुझे फक्र है कि आसमान की ऊंचाई ही बहुत कम है। मैं थोड़ा खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, उसे गुरूर है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझ पर फक्र है कि ये साली आकाश ही बहुत छोटी है। द वर्ड इम्पॉसिबल इज फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, लेकिन इसके चाहिए नेपोलियन द ग्रेट का साहस, अलेक्जेंडर का हौसला, नहीं तो आप ग्रेट नहीं हो सकते। वो लोग बिल्कुल जीवन की सर कुर्बानियों को कर दिया था, लक्ष्य था कि इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बने। तो आपसे निवेदन करता हूँ, नाली के कीड़े की तरह गंदगी में, नकारात्मक में अपना जीवन मत गमाओ, कभी सफल नहीं होगे। जो व्यक्ति जीवन में केवल अंधकार देखता हो, तमस देखता हो,
किसी की बुराई करने में जिंदगी लगा दिया, उसके लक्ष्य कहाँ मिलेंगे? लक्ष्य तो उसका है ही नहीं, वो तो नाली का कीड़ा देख देख के नाली का कीड़ा हो गया। याद रख, जो विचार दिमाग में लाओगे ना उसी तरह तुम्हारा संस्कार बनेगा, और वही संस्कार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रगति का मार्गदर्शन करेगा। तो अगर असफल आज तक हुए इसीलिए हुए कि तुम चांद तारे सितारों से ऊपर जाने की बात नहीं करी, तुम नाली के कीड़े की तरह गंदगी में गंदे विचारों के अधीन मागे। आओ, जिंदगी को हम सुधार सकते हैं, जो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको बदल सकते हैं, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बदला जा सकता है। ये हो सकता है ट्रांसम्यूटेशन, थॉट का ट्रांसम्यूटेशन, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में डालना। और फिर मेरे साथ आइए, आप बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद।